हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योत्सना। मेरे चैनल ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है, सिर्फ तवे पर ही बना के दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन लिए थे, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब यहाँ हम लेंगे 1/2 चम्मच बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और गैस हमें कम ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। और अब इसमें हमें डाल देने हैं कटे हुए लहसुन। हमें लहसुन का हल्का सा कच्चापन निकालना है, इसलिए ही हमने इसको रोस्ट किया है। तो बहुत कम गैस पर रोस्ट करेंगे और ज़्यादा देर नहीं करना, नहीं तो मक्खन जल जाएगा। बस हल्का सा ही रोस्ट करना है कि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, चलिए अब स्टेज में हम गैस बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मक्खन। मक्खन ना ही बहुत ज़्यादा मेल्टेड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ, इस बात का ध्यान रहे। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है रोस्टेड किए हुए गार्लिक। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है कुछ कटी हुई हरे धनिया की पत्तियाँ, इससे हमारी गार्लिक ब्रेड का टेस्ट और बढ़ जाएगा। 1/2 चम्मच लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। 1/2 चम्मच लेंगे हम मिक्स सीजनिंग। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम मिला देंगे ताकि इन सभी का टेस्ट एक दूसरे के अंदर काफ़ी अच्छे से आ जाए। अब मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ली है मैंने 4 ब्रेड। आप चाहे तो गेहूँ की ब्रेड, व्हीट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हमने जो बैटर बनाया है ना, यही 4 ब्रेड पे थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। आज 4 ही ब्रेड पे हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो मक्खन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको मक्खन ज़्यादा पसंद है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2.5 चम्मच मक्खन काफ़ी था। 2 चम्मच लिया है मैंने मेल्टेड वाला और 1/2 चम्मच मैंने उसमें रोस्ट करने के लिए लिया था। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। चलिए अब ये बैटर अच्छे से ब्रेड में स्प्रेड हो चुका है। अब यहाँ ली है मैंने चीज़ क्यूब। यहाँ मैंने एक ये और 1/2 चीज़ क्यूब इनका यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद इन 4 ही ब्रेड पे हम इसे स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये गार्लिक चीज़ ब्रेड है। ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है और टेस्ट इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा औसम है। तवे पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला है। आप किसी भी तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाने में लेते हैं। गैस को मीडियम करेंगे और 4 ब्रेड को हम इसके ऊपर रख देंगे। अगर आपका तवा छोटा है तो आप 2-2 करके भी ब्रेड सेक सकते हैं। इस तरह से 4 ब्रेड को हम यहाँ तवे पर एडजस्ट कर लेंगे। चलिए अब हमें आगे बढ़ना है। ब्रेड तो मैंने यहाँ तवे पर रख दी है। अब हमें लेना है एक बड़ा सा लिड और तवे पे इस तरह से लिड को लगा देना है। गैस हम करेंगे कम और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे सेकना है, जब तक कि ब्रेड हमारी नीचे से ब्राउन ना हो जाए। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से चाकू की हेल्प से ब्रेड को नीचे से देखा है। ब्रेड पीछे से काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी हो गई है, ब्राउन हो गई है और जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो गया है। चलिए स्टेज पर गैस को कर देते हैं बंद। ब्रेड काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ये टोस्ट काफ़ी गर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाइफ़ का यूज़ किया है और सच में देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। गार्लिक ब्रेड हो गई है हमारी तैयार। ये देखिए, मैं आपको एक ब्रेड भी दिखा देती हूँ। पीछे से ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी भी हो गई है, तो हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए कि ब्रेड पीछे से होनी चाहिए काफ़ी कुरकुरी और ऊपर से होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। थोड़ी सी कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस गार्लिक ब्रेड को बनाना सच में कितना ही आसान है। ये देखिए, हमारी ये चीज़ ही गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरीके से इजी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ज्योत्सना किचन में आप सभी का स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।